अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे STA 630 के लेसन नंबर 21 को, इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ इन मॉल्स एंड अदर हाई ट्रैफिक एरियाज। इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन के अंदर। हम यहाँ से टेलीफोनिक इंटरव्यू को देखेंगे। टेलीफोन इंटरव्यूइंग, कॉल के जरिए लोगों को का इंटरव्यू लेना। अगर कोई पर्सनल इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं होता या किसी वजह से नहीं आ सकता तो आप इसके पास भी नहीं जा सकते, तो इस वक्त टेलीफोन इंटरव्यू लिए जाते हैं। सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यूज़, आमतौर पर सर्च एजेंसीज एक कंट्रोल लोकेशन से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिस तरह वाट्स है, WATES यानी वाइड एरिया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ये लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज मुहैया करती हैं जो कि कम रेट्स हैं। इसके ज़रिए एक स्पेसिफिक एरिया से पूरे कंट्री में लातादाद कॉल्स की जाती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग, CATI। इसमें इंटरव्यूअर के पास कंप्यूटर पर सवालात छू हो रहे होते हैं और जवाबात सब्जेक्ट जो देता है उसे फौरी कंप्यूटर पर सेव कर लिया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूइंग, ये हाई स्पीड होती है, इसमें टाइम की बचत होती है, फौरी रिस्पांस मिलता है, किसी को इंटरव्यू के लिए सफ़र नहीं करना पड़ता और इस इंटरव्यूअर और जो सब्जेक्ट होता है अपनी अपनी लोकेशन पर रहकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेव कॉस्ट है नंबर टू, यानी कि कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है इसकी। और नंबर थ्री कॉल बैक्स है, दोबारा सब्जेक्ट से कांटेक्ट करना होता है उसे कॉल बैक करना बहुत आसान होता है। नंबर फोर पे कह रहा है कि कोई भी नंबर डायल किया जा सकता है, रैंडमली कोई भी नंबर डायल करके उससे सवालात की जा सकते हैं। नंबर फाइव है सेम कॉस्ट में मुल्क के किसी भी हिस्से में कॉल की जा सकती है। नंबर सिक्स है यूज़ फ्यूअर बट हाईली स्किल्ड इंटरव्यूअर्स। नंबर सेवन में कह रहा है कि क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर बंदे को फेस टू फेस नहीं देखता, इसलिए बायसिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। नंबर एट है कि इन लोगों से भी इंटरव्यू ले सकते हैं जिनसे हम नहीं मिल सकते सिक्योरिटी की वजह से, या अगर वो लोग VIPs हैं, इनके पास टाइम की कमी है तो फ़ोन कॉल पर इनका इंटरव्यू लिया जा सकता है। नंबर नाइन यूज़ कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग, CATI। CATI के इस्तेमाल से एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो सवाल होते हैं वो भी कंप्यूटर पर होते हैं, जवाबात को भी कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा साथ साथ सेव किया जाता रहता है। वीकनेसेस ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूइंग, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। नंबर वन एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इसमें हम बंदे के नॉन वर्बल एक्शंस को नहीं देख पाते। और नंबर टू में कह रहा है कि लोगों का रिस्पॉन्स रेट जो है वो पर्सनल इंटरव्यू की नस्बत कम होता है, अक्सर लोग कॉल रिसीव नहीं करते या कॉल दरमियान से काट देते हैं। नंबर थ्री लैक ऑफ विजुअल मीडियम है, अगर आप इन्हें पिक्स वगैरह दिखाना चाहते हैं तो नहीं दिखा पाते। नंबर फोर लिमिटेड ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट का होता है। नंबर फाइव मैनी नंबर्स आर अनलिस्टेड और नॉट वर्किंग, बहुत से ऐसे नंबर हैं जो मिलते ही नहीं हैं जिन पर कॉल नहीं जाती। नंबर सिक्स पर कह रहा है कि लेस पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, जिस तरह सेम हमने पहले ऊपर देखा था कि लोगों का रिस्पांस रेट बहुत कम होता है पर्सनल इंटरव्यू की नस्बत, लोग अक्सर कॉल रिसीव नहीं करते या कॉल दरमियान से काट देते हैं। आगे नंबर सेवन है, नंबर सेवन के अंदर कह रहा है कि डिस्ट्रैक्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि हो सकता है कि बंदा जिस माहौल में बैठा हो वो इसके इंटरव्यू को इफ़ेक्ट कर रहा हो, वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा हो या हजूम हो लोगों का बहुत ज़्यादा। आगे है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर्स, क्वेश्चनेयर कहते हैं कि एक परफॉर्मा, एक पंफलेट कह रहे हैं जो इसके ऊपर सवालात मुख्तलिफ किस्म के सवालात लिखे होते हैं। आगे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनेयर में आमतौर पर होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स और दूसरी किस्म मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज वाले अपनी सर्विसेज का मेयार देखने के लिए कस्टमर्स को एक परफॉर्मा देते हैं जिस पर इनकी सर्विसेज के मुतलिक राय देनी होती है। सवालात होते हैं, उन सवालात का जवाब देना होता है कि हमारी सर्विसेज कैसी थी, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको ठीक नहीं लगी, इस तरह के सवालात। मेल क्वेश्चनेयर, इसके अलावा ये काम मेल्स के ज़रिए भी किया जाता है, पोस्ट के ज़रिए किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं मेल क्वेश्चनेयर के, कि नंबर वन जियोग्राफिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ इंसान ख़ुद नहीं जा पाते वहाँ मेल्स के ज़रिए राय ली जाती है। नंबर टू सैम्पल एक्सेसिबिलिटी है, जहाँ अब हमारी एक्सेस ज़्यादा जगहों तक हो तो एक्सेस भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों तक भी एक्सेस बढ़ जाएगी। नंबर थ्री सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर सेव टाइम, एक ही वक्त में बहुत से लोगों की राय ली जाती है, ये अलग से इंटरव्यू सेट नहीं करने पड़ते। नंबर फोर सेव कॉस्ट, इसलिए ये लो कॉस्ट भी होता है। नंबर फाइव रिस्पोंडेंट कन्वीनियंस, इसमें जवाब देने वाला अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम में जवाब
मेल कर सकता है। नंबर 6 अनोनिमिटी, इसमें आपकी सिक्रेसी का रहती है, इसलिए आप खुलकर जवाब दे सकते हैं। नंबर 5 7 स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन, मेल क्वेश्चनर के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, एक ख़ास ऑर्डर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, लो कम्प्लीशन रेट है, बहुत कम लोग इसका रिस्पांस करते हैं, और इसके अलावा नो रिस्पांस रेट है, सॉरी लोग बहुत कम रिस्पांस करते हैं, लो कम्प्लीशन रेट में कह रहा है कि इसमें कुछ लोग इसे पूरा फिल नहीं करते, तमाम सवाल का जवाब नहीं देते। नंबर 3 इंक्रीज्ड कॉस्ट, जब लोगों से रिस्पांस लेने के लिए इन्हें बार बार रिमाइंडर देने पड़ते हैं तो इस पर कॉस्ट लगती है। नंबर 4 इंटरव्यूअर एब्सेंस होता है, इसके अंदर इंटरव्यूअर मौजूद नहीं होता, सिर्फ सवाल लिखे होते हैं, उनके जवाब लोगों को देने होते हैं। नंबर 5 नो कंट्रोल ऑन क्वेश्चन ऑर्डर, इसमें क्योंकि सवाल एक तरतीब से होते हैं तो रिस्पॉन्डेंट सवाल को अपनी मर्जी से अपनी तरतीब से फिल करता है। नंबर 6 कैनॉट यूज़ लेंथी क्वेश्चनियर, अगर लंबे लंबे सवाल और पेचीदा सवाल पूछे जाएंगे तो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। नंबर 7 नो कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट, रिसर्चर्स ये नहीं जान पाता कि सवाल का जवाब किस तरह के एनवायरनमेंट में दिया गया है और किसने जवाब दिया है। नंबर 8 नॉन वर्बल बिहेवियर को नहीं देखा जा सकता। नंबर 9 नॉन लिटरेट जो होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इंक्रीजिंग रिस्पांस रेट, इन रिस्पांस रेट को इंक्रीज करने के यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है कवर लेटर, यानी कि इस रिसर्च को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इस तरह का डाटा साथ जो है वो लगा दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है। मनी हेल्प क्या है कि आप रिस्पॉन्डेंट को कह सकते हैं कि इन तमाम क्वेश्चनियर जो जमा करवाएंगे लकी ड्रा के ज़रिए इनके उनको इनामात दिए जाएंगे जिनका नाम आएगा। और आखिरी है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल पूछे जाएं जो कि लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड करें, लोग इंटरेस्ट होके उनके अंदर इंटरेस्ट आए और उनको सवाल का जवाब दें। वो ये था आपका STA 630 का लेसन नंबर 21। आई होप आई मेड इट क्लियर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।